बच चुके हैं पौने नौ। हाई ऑल डूइंग वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयिंग वेर एवर यू आर। दिवाली का काम चालू हो गया है, सबके घर पे ऐसा पणकारा भाग रहा है और सब एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा अगेन कल रात का मून का था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हार्दिक जी ने मेरे को बताया कि मून बहुत बढ़िया दिख रहा है। हार्दिक जी गुड मॉर्निंग। मून कितना अच्छा था कल, है ना? मजा ही आ गया है ना? तो अगर आपको स्टार्टिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देने का, ठीक है? और आई थिंक मैं ये मून का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा। अगर इससे भी अच्छा मून दिखा तो आज रात को भी ट्राई करेंगे। मच्छर बहुत काट रहे हैं तो वड़ वड़ के ऐसे खंजवाड़ भी रहा हूँ साथ में। एनीवे चलिए पापा का सुई चले। पापा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुविचार आज का सुविचार है, हर एक दिन एक विकल्प लेकर आता है। दुखी रहो या खुद को प्रेरित करो, आपकी चॉइस। चॉइस आपका है, बराबर है। ओके, एवरी सिंगल डे इज अ न्यू बिगिनिंग। हर रोज कुछ नया होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपका दिमाग कैसा रखने का है वो आपको पता। पीछे से हड़ी नहीं करने का, बहुत बढ़िया सुविचार था। चिपटी नहीं भरने का, नगर आट जाएगा। बोल रहा हूँ पीछे से हड़ी कर रहा है, ऐसा कौन करता है भाई। एनीवे बहुत बढ़िया सुविचार पापा का, थैंक यू सो मच पापा। ठीक है, आज मंगलवार का दिन रहने का, बहुत बढ़िया दिन रहने का। हेजल गई ट्यूशन पे और सारिका एज यूजुअल अपना मच्चा रही है। सारिका जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। काम काम करो जी। हाँ जी। काम काम करो जी, काम काम करो जी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा मस्ती नहीं करने का, तू थोड़ो ओछो आम आम ओलो होवे छे ने तने उधरस वधी जाय छे। हे तो રાતે તમે ના પાડો ને એટલે જ દિવસે ઉઠી ત્યાર ને આવી નથી આવી ને। વેરી ગુડ। આજ ક્યા પ્રોગ્રામ હે? 10 બજે કે બાદ પ્રોગ્રામ ચાલુ હતો, ક્યુંકી 10 બજે તો અમારા રૂટીન હી કન્ટિન્યુ રહેતા હે। અચ્છા એસા હે, વેરી ગુડ। તો ભી મે પતા દઉં। पता दो। चलिए मम्मी की हड़ी करते हैं थोड़ी देर। मम्मी के साथ ज्यादा मजा आता है क्योंकि मम्मी के मम्मी गुड मॉर्निंग આપકા ખૂન ભી કહી જાના ચાહીએ હે ને મમ્મી, ખૂન ના દાન કરના ચાહીએ, ખૂન કા દાન કરના ચાહીએ। જીસકો ભી કરો, મચ્છર કો કરો યા કીડી કો કરો, કિસી કો ભી કરો, खून चाहना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। चलिए मम्मी आज क्या है प्रोग्राम? पुनदान करता हूँ। पुनदान करते रहने का। आज का क्या प्रोग्राम है? बस नाश्ता कर लियो। आज तो बना रवा मैदा पूरी। चलिए तो आज रवा मैदा का पूरी का रेसिपी आने वाला है। ओके चलिए तो ये है आज का शेड्यूल। और कल के वीडियो में वावड़ी वा कुंबा बहुत फाइन, वावड़ी वा कुंबा का बहुत रिप्लाई आया, बहुत कमेंट आए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई किए और बहुत इन्फॉर्मेटिव वाले रिप्लाई किए और कमेंट किए, तो हमको बहुत जानकारी मिली वावड़ी वा कुंबा। गाड़ी रखने के लिए जाने का है सर्विस में? गाड़ी रखने के लिए जाने का है? कौन सी गाड़ी? एक्टिवा नहीं ली ना तो हाथ ले। एक्टिवा रखने के लिए जाने का है। हवे सर्विस नो टाइम थई गयो एटले दिवाळी पहेला बधा एक हारे सर्विस, दिवाळी पछी करावा है। दिवाळी पछी टाइम नथी, एक वर्ष पूरो थई गयो, हवे एक ज वार सर्विस करावी। अच्छा ऐसा है, फ्री वाली सर्विस चली के बताऊं। बहुत ट्रैफिक होगा यार, अभी नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नहीं होगा भाई, जगह नहीं होगा उधर, बहुत जगह होगा। अरे नहीं होगा यार, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग एक साथ सब गाड़ी सर्विस करवाएंगे। दिवाली का टाइम है, बोलेंगे वेकेशन है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके बाद ही टाइम होता है। एक्चुअली मेरा इस मानना ऐसा है। पापा आपका मानना कैसा है कि दिवाली के बाद टाइम मिलेगा कि दिवाली के पहले अभी टाइम मिलेगा? जनरल तो दिवाली के बाद ही करना चाहिए, अभी तो ट्रैफिक होगा। हाँ लेकिन जिन्होंने टाइम ओवर हो गया हो उन्होंने तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, सही बात। चलिए एनीवे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और इधर फटाकड़े फोड़ रहे हैं दिवाली के, फाट फाट फाट। सारी का हूँ था इतना हच्चो के दाव था ऐसे मारवान बनता है ऐसे बना हच्चो के। अरे काय न था तो आका चा हमने हच्चो बने दे जय दे पड़ आठले अगर आठले। सॉरी उले तेरा वगैरह न रहता नहीं। माय गॉड, ओ माय गॉड, सॉरी ओ माय गॉड, रियल मिस्टेक होती है। तेरा वगैरह नहीं पर जेन्युइन मिस्टेक होती। सैन्य वाली ना हो था सर, सैन्य वाली हो સાંજો કામ કરતા ન ડિસ્ટર્બ કરવા આવે કરવું જ નહીં પણ વધારવા સોરી મમ્મી આ બે હિજાના ચા ફેરી ગઈ તારો બીપી આવી છે કંટ્રોલ મમ્મી કંટ્રોલ તો પછી આપણે સાનમોનો રહેવાય સાનમોનો છું મમ્મી કંટ્રોલ શાંતિ બે હિજાને વે છાસ પી લે છાસ કામ બહુ છે આજ હો મારે એમ હા બે જા સાન ઓકે તો જી સુબહ કે બચ્ચો કે હે પોને 10 ઓર યહાં પે મમ્મી કા કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ હો રહા હે બહોત બઢિયા વાલા। मम्मी पहले तो बता दो कि ये क्या है और
क्या क्या डाल रहे हैं और क्या बनने वाला है? तो 500 रवो, 500 मेंदो, हाँ, और 500 गाउनो लोट, 500 रवा, 500 मेंदा और 500 गेहूं का आटा, गेहूं का आटा। और उसके बाद क्या करने का है? इसके बाद नमक डालना है, स्वाद अनुसार नमक। ओके, स्वाद अनुसार नमक जा रहा है इसके अंदर। चाका जाम पीछा हुआ जीरा मोयन के जीरू आई जीरा, हाँ, हिंदी में जीरा के वाय जो एक मुट्ठी नाको ना एक मुट्ठी खूब भरे जीरू थोड़ा सेकी लेवान जीरू, हां, પછી કાંડી લેવાનું। ये क्या है देखने दो, मरी पाउडर है। इतना मरी पाउडर, ओके, इतना मरी पाउडर डालेंगे। वेरी गुड, बस हवे है ना, मोण डालना है, मोण इसको मोण बोलते हैं, मोण डालते हैं, मोण ज्यादा प्रमाण में डालना है। ओके, अभी फर्सी पूरी होगी। वेरी गुड, दो पावले गए हैं और उसके ऊपर गए हैं तीन पावले, उसके ऊपर गए हैं चार पावले। मम्मी हवे कंट्रोल करी लेजो, चार ओके, और 4.5 ओके। तो इतना तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि उसका स्वाद तभी ही अच्छा आएगा और उसको अच्छे तरीके से हम लोग कोई हल्दी डालते हैं, हाँ, कोई लाल मिर्च डालते हैं, हाँ, फर्सी फ्री। तो जी सारिका जी ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ पे सारिका जी ने इसके अंदर हल्दी थोड़ा डाल दिया है। सारिका जी को येल्लो कलर पसंद है, नहीं आप लाइट कलर है। वेरी गुड, लाइट येल्लो कलर की फर्सी पूरी बन रही है। तो मेथी, कसूरी मेथी नाखते है ना, तब लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। लाल मिर्च ने अगर आपके घर पे मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची डाल सकते हैं। बहुत तरीके से बनती है। मेरे अलावा सब लोग धीरे धीरे बोलते हैं, मैं ही एक आवाज बराबर बोलता हूँ। हाँ मम्मी इधर बोल रही है, थोड़ा थोड़ा गर्म करना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, हाँ मम्मी उकड़ तो नाखो, बहुत सॉफ्ट है, गरम से तो एटलू गरम से मैं चलिए। हाँ चलिए, तो सास बहु उकड़ तो ना खाए, गरम गरम पानी डाल रहे है इसके अंदर धीरे धीरे। चाका जाम ये मेथड देख लो, ऐसे ही करने का है आज तो, मतलब पूरा डिटेल में दिखा रहे हैं क्योंकि व्यूअर लोग के कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना कि आप बराबर दिखो, हमको आता नहीं है। हाँ ना ने सोकर ये कलू रहती हुए ना नो आवडे भूमिका जी, मतलब बराबर बताए तो भूमिका जी अगर आप देख रहे हो तो ये भी ऐसे भी बना सकते हो और हमको भेज सकते हो। भूमिका सीख गए सत कण खरु। ओके, तो ये है फर्सी पूरी, फर्सी चाका जाम। कठण बांधवाना नोट, अच्छा कठण बांधने का तो बिस्किट जैसा पूरी होगा, खाने में चाय के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। तो जी वावा जुड़ा पहुंच चुका है घर पे ट्यूशन से जाके आके। आज हेजू का कंप्लेन आया है, मैम आज हेजू को डांटे है जोर से। मैम ने बोला हेजू बराबर कैम नहीं लगती, तो हेजू का मुँह ऐसा हो गया था, है ना, यूं थी तूने काय वांधो नहीं बेटा, मिस्टेक तो थाय, ई तो खी जाय, बद्दू बराबर लिखो तो खाली एक ज बराबर नो तो लिखो, शू बराबर नो तो आयो होमवर्क आई पूछो हम बता बताओ, हां बताओ तो बैग भी पता है, देखो शू होमवर्क आई पूछे, आईस क्लोज करो, એમાં આ હોમવર્ક માં આઈસ ક્લોઝ નો કરવાનું હોય, કઈ કઈ બતાવું, શું લાવી છો આજે, બતાવ આઈસ ક્લોઝ કરો, અમારી આઈસ ક્લોઝ છે, બસ ચલ લેવો, આ શું છે, ચોકલેટ, ચોકલેટ રોજ નો લાવવાની હોય, વિહાને ની બર્થડે હતી, બર્થડે રોજ આવે, બર્થડે રોજ રોજ બધા બધા ધબા ધબ ચોકલેટ થઈ ગઈ, ધબા ધબ ચોકલેટ થઈ ગઈ। इसके स्कूल में से मैसेज आ गया है कि अभी चॉकलेट मत भेजो क्योंकि बच्चे रोज खाते हैं और रोज मतलब कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे चॉकलेट खा रही है हेजू अभी पिछले 10-15 दिनों से। तो हमको ऐसा लगता है कि चॉकलेट का बंद करना पड़ेगा, और स्कूल में और ट्यूशन में अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो चॉकलेट देना बंद कर दो भाई, क्योंकि हर रोज किसी ना किसी, फिर चॉकलेट से क्या होता है, पेट भी खराब होगा, दांत भी खराब हो गए, हेल्थ भी खराब होगा, कुछ भी, वेदर भी ऐसे अभी चेंज होने वाला है, तो प्लीज समझो तो अच्छा है, चॉकलेट कम खाओ। तो तारी कई छे एमांथी, तो पण मने तो आप एक पूरवानी હોય તો પૂરવા તો લીધી, આટલી બધી આની છે, એક પૂરવા લઈ લીધી હશે, એક મને તો આપ છુપા કે રખ દેગી, અભી દેગી ભી નહીં, કઈ જોતી છે, બ્લુ કે ગ્રીન કે બ્રાઉન આપ મને, થેન્ક યુ, વેલકમ, તમારો ચોકલેટ, મારી ચોકલેટ તો આઈ છે, એ તમાર ખાવા ને તે ને તો લાવ, હું ખાઈ જઈશ પણ મને ખાવા, આલે આલે મને ખોલીને આપ લાવ, તો આ ચાલ રેડી થઈ જા, ટ્યુશન જા, સ્કૂલ જવાનું છે, પહેલે દી ઓર બાદ મેં લે લી, ઇસકા એસા હે। ચલિયે તો બાતો હી બાતો મેં મમ્મી બેઠ ગયે હે બનાને કે લિયે પૂરી, ઓર હેઝુ રેડી હો ચુકી હે જાને કે લિયે સ્કૂલ પે, હોળ તવળ હો રહી હે, બોટલ કે મૂકી, આને કે બાદ કન્ટિન્યુ કરેંગે,
ग्यारह बज के 5 मिनट हो चुकी है, हेजल को स्कूल पे छोड़ के आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया माहौल बन गया है वापिस से बारिश का, और बफाट मार रहा है भरपूर मात्रा में। और यहाँ पे मम्मी देखो लग पड़े है। मम्मी कितनी पूरी था है? 500-600 थी जाए गणवी तो पछि तो गण जे नव रोज गणवानी तो न होए, बट आई थिंक अवे ऐसा लग रहा है कि आप जो बनाने का स्टार्ट कर रहे हो तो 400-500 तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे मस्त एकदम कलर आ चुका है येलो। तो ये लोट है ना, इसको आधा घंटा एक घंटा तक ऐसे सुखाने दिया था, और उसके बाद अभी पूरिया बेल रहे हैं मम्मी यहाँ पे चाका जाम, और फिर दोपहर के बाद इसको सूखने के बाद तड़ेंगे। ओके अच्छा, तो सूख जाने के बाद तलते हैं तो अच्छा रहता है। तो आई थिंक ये प्रोसेस पूरा एक दिन का प्रोसेस है, आराम से पेशेंस के साथ करने का, सवेरे लोट बांधने का, दोपहर को वणने का, और सांझ को सेक तलने का। तो ये है पूरा प्रोसेस। तमार लोगों नु काम पण एक नंबर मम्मी। तई मेहनत वगर नु काय थाय? मेहनत वगर काय नो थाय ओ भाई। अन्न 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 जो होत ना अन्न के मेहनत अन्न आय होय। मेरे को काम सौंपा गया है, इससे मेरे को काम दिया गया है। मेरे को मम्मी बोलती है कि पूरी में चांदला बनाओ छोटा छोटा, और उसको इधर गोठवो, तो हेल्प होगा ना, तो फटाफट होगा। हेजू कर देती है हर बार, लेकिन अभी हेजू नहीं है, तो आप हेजू जैसे ही हो एम काम बढ़ाने में। फिर कितना काणा करवाना है? 5 बार करूँ हाले बच्चा कितना तो हाले फूल है फूल में नो चाहिए। अच्छा उसका रीजन क्या है? फूल है तो तेल चढ़ जाए। અચ્છા આમાં તેલ ઓછું વપરાય? એક આખો બાટલો તો પતાય નાખ્યો બે દીમાં, હવે વધારે ભયું છે હું। ડબ્બો કે બાટલો ને આ ડબ્બો આઈ મીન વોટ એવર એસા લગતા હે કે પૂરે સાલ કા તેલ એક સાથ એ મહિને મે ઉડ જાયેગા। હવે કેટલી છે મમ્મી? હું કંટાળ્યો યાર, હવે આટલી પતી ગઈ, તમે હેલ્પ કરાવો ફટાફટ પતી છે એમ। માં મમ્મી નખ મારે અમુક અમુક માં, તો નખ જ હોય આ હવે નીકળ્યો આવું બધું એમ, નકર અમે તો આમ કહી દેતા આમ બરાબર લાઈન માં ગોઠો છે। લાઈન બાઈન નું આવે, અમે આર્ટિસ્ટ છે એટલે જ તો ના હોય તું સારી કહે। અમારે આર્ટિસ્ટ હોય એટલે અમારે લાઈન નો આવે, અમારે સીધ ગમે આડે ધડ આવે, આડે ધડ ને આર્ટિસ્ટ કહેવાય। આર્ટિસ્ટ ક્રિએટિવિટી એટલે આમાં બતાવવાની કીધી। જયદીપ આવ્યો હજી 2 મિનિટ નથી થઈ ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ, જો તો જયદીપ નો હાથ આડે ત્યાં થઈ ગયો એમ। સણાન ઝાડવે ચડાવો છો, વેરી ગુડ। જેસન જેમ ફોહલાવા પડે થોડો એમ ને, એક કામ કરું એક 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 લેવ એન કરતા પહેલા બધાને કાણા પડ દઉં પછી એમ જ હોય એમ શોર્ટકટ। હર યે અભી મેરે કો પતા ચલા એસા ભી હો સકતા કહા જાકે ગિરે ગાયે એટલે સમજતાવાર લાગે તો પ્રેક્ટિસ કરી ન હોય તમારી જેમ અમે લોકો એટલે ઈ છોકે હવે યાર। યે હમારા સબૂત હે કે મે યહાં પે બેઠ કે પૂરી કો કાણા પાડા હે, ઠીક હે? પૂરી દેખ લો યહાં પે, ઠીક હે? બહુ ફાઇન, ઠીક હે? બહુ ફાઇન। तो जी 12:15 हो चुकी है, हम लोग अभी ही आए हैं घर पे। इतना ज़्यादा मेरा दिमाग फट गया है SMC वालों पे। अगर SMC में से कोई भी कार्यकर्ता हमारे वीडियो देखते हैं तो ये जो वैशाली सिनेमा वाला जो SMC जोन है उन लोगों को एक स्पेशल मैसेज दो सारी का। क्या बोलना चाहिए? कुछ देना ही नहीं मैसेज। ये तीसरी बार मैं गया था उधर, 12:45 तो मैं पहुंच गया था उधर। मैंने बोला ममता कार्ड निकालने का है, बारिश है, ट्रैफिक है, देख रहा है, सब बैठे है, बारी खुला था। 12:45 पहुंच गए हम लोग। 5 मिनट तो होता है कि हमको पता नहीं कि ममता, मैं पहली बार गया था तो मुझे पता नहीं था, दूसरी बार गया सारिका को लेके, उसने बोला कि ममता होनी चाहिए साथ में, तो इसको लेके गया। अभी बंद हो गया है, अभी नहीं आने का, अभी निकल जाओ, आपको टाइम का पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे टोन के साथ बात कर रहे हैं ये लोग, रियली आई डोंट लाइक इट। मिस्टेक हो तो हम एक्सेप्टेड है, लेकिन जो आप टोन बोलते हो ना उससे उसके हिसाब से सामने वाले को कैसा लगता है वो समझना चाहिए। इससे अच्छा तो चला ला, मैं अच्छा है घर पे आके सब कुछ कर जाते। गांव में जाके देखो ये लोग ममता कार्ड को कितना मतलब ऐसा मोटिवेशन के साथ घर पे जाके देके जाते हैं, आराम से बातें करते हैं, टाइम टू टाइम बोल के भी जाते हैं कि आपका बच्चे का वैक्सीनेशन है लगवा लेने का। गाँव में बहुत अच्छा होता है, तो बात करने का टोन आप लोग सुधार लीजिए पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर किसी को नहीं पता है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो समझाइए, ऐसा डायरेक्ट गंदी रीत से बात मत कीजिए। सब लोग एक करके नहीं होते हैं, सब लोग काम ऐसा नहीं करवाने आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी और की वजह से हमको डांट पड़ रही हो, किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकालने का, भाई ये भी समझना चाहिए ना। हाँ जी बात है, ये मैं बताइए बात है, फोन पर बात करें तो हम राजा बच्चन दिख रहा हो एम। हाँ मैंने फोन किया, कितने बजे आने का है? 9:30 टाइम से आवी जाजो गमे तई तमारी રીતે આલે એસા થોડા સ્માઈલ કરકે થોડા અચ્છી રીતે એટલી બધી હવા માર માં શું તારે। વી આર ગોઈંગ ટુ પ્રાઇવેટ વેક્સિનેશન નાઉ, વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગવર્નમેન્ટ, આઈ હેટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ બિહેવિયર। ચલીએ તો દુપહેર કે 1 બજને વાલે હે ઓર યહાં પે સારિકા જી બેઠ ચુકે હે પ્લેટફોર્મ પે ચા કા જામ પૂરી તળને કે લિયે।
मैंने सोचा क्या कि दोपहर के बाद, मतलब मम्मी ने बोला था कि शाम को ऑयल होगा। शाम को यदि आपको इतना तो अंदाज नहीं आ जाता, शाम को थोड़ी होता है। मन ये लाइव हो कैसे है। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा तूने बोला कि सुखाने के बाद, बट एनीवे सूख गया है। बहुत बढ़िया, इसका स्वाद भी बहुत परफेक्ट है। आपको मैं एक चौक के बताता हूँ। गरम गरम है। ओहो, एक तो वो गुलाब जामुन, उसके ऊपर ये पूरी। गुलाब जामुन खा के हार्दिक भाई ने डब्बा लेके डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया। ऐसा कंट्रोल नहीं रहता ना। कल पापा ने बोला है सबको बाउल में अलग अलग से देना है, पूरा डब्बा नहीं रखना है। ओके, तो कल अपने अभी तो ये खा सकता हूँ ना मैं। खा लो आप, रिजू दोनों के लिए ही बनाया है, लेकिन माप में खाना है ना। आप दोनों दो हेजू दोनों में जिसको भी बोल, कोई किसी को समझना नहीं है तो क्या करें। कंट्रोल पावर थोड़ा कम है, जब वेडिंग का सीजन स्टार्ट होगा तब कंट्रोल हो ही जाएगा ना, है ना। चा का जाम, बारिश वाला माहौल, और यहाँ पे मम्मी बैठ चुके हैं अपनी भजन की डायरी लेके। कल के वीडियो में कमेंट आया था कि वो भजन कंटिन्यू करो, हमको आगे सुनने का है। बहुत कमेंट आए थे, वैसे एक नहीं बहुत सारे आए थे। तो भजन आज पूरा सुना के ही देंगे आपको, और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सुन लो मम्मी का कंटिन्यू वाला भजन। मम्मी बोलो। कल का भजन बहुत बढ़िया लगा सबको, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो आज वो कंटिन्यू करके गा डालिए, चलिए। आयो आयो जमानो आई फोन लो, आयो आयो जमानो मोबाइल नो, जारे गाड़ी लेने क्या बाहर जाइए, रस्तो पूछवा माँ कोई नी जरूर न पड़े, सासे ठेकाने ले जाई मैप जमानो आई फोन नो, एक पैसो की सामानो रे राखे, आकू बाजार खरीदीने गेर लावे, हवे करता गूगल ने पे, हवे करता गूगल मा पे एम ने, हवे करता गूगल मा पे जमानो आईफोन नो, तमे मोबाइल वापरो तो भले वापरो, तमे कथा सांभळो ने भजन सांभळो, તમે જોવો ફેમિલી ના જયદીપ ના વિડીયો, જમાનો આઈફોન નો થોડા સમય માટે તેને વિરામ આપો, વૃદ્ધ માવતર માટે થોડો સમય કાઢો, તેના દિલડા કાઈ જાય, જમાનો આઈફોન નો એના આશીર્વાદ મળી જાય, જમાનો આઈફોન નો આવ્યો આવ્યો જમાનો આઈફોન નો। જયદીપ ના વિડીયા જોજો, આઈફોન ભલે લીધો બધા, એ ફેમિલી વિડીયો છે ને એટલે બધાને મજા આવશે, આઈફોન છે ને એમાં બધું જોવા મળે ને જાણવા મળે। એટલે કહેવાનો ભાવ અર્થ એવો છે કે આઈફોન લ્યો, સ્માર્ટફોન લ્યો, કુછ ભી લ્યો, સારી જગ્યાએ વાપરો। મતલબ ટાઈમ વેસ્ટ હો યા ફિર ટાઈમ બરબાદ હો, એસા કુછ હો ના તો ઉસમે ટાઈમ બરબાદ મત કરો, અચ્છી જગહ પે યુઝ કરો, ઉસકા અચ્છા ઉપયોગ કરો, જૈસે ઉસમે સે નોલેજ નિકાલો, એસી એસી બાતે સુનો, એસા એસા પઢો કે જિસમે સે આપકે દિમાગ મે ઓર આપકે ફેમિલી મે કુછ અચ્છા જાય, ના કે ટાઈમ પાસ હો ઓર એસે। एनीवे समझ जाओ अभी, ठीक है। चलिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मच्छा दे रहो, कल मिलेंगे बोबड़ी करते, बाय बाय पूरी।